पिछले हफ्ते ही फेसबुक ने रिलायंस में ऑलमोस्ट 10% स्टेक खरीद लिया था और उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये दोनों ब्रांड्स यानी कि रिलायंस जियो और फेसबुक जल्दी ही काम कर सकते हैं किसी नए प्रोडक्ट पे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये दोनों ब्रांड्स किस चीज के लिए पार्टनरशिप की और क्या सर्विसेज दे रहे हैं कंज्यूमर्स को। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बता चुके हैं कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो रिलायंस जियो और फेसबुक ने अभी थोड़ा टाइम पहले पार्टनरशिप की थी उसके बाद उन्होंने किस प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि भैया एक हफ्ते पहले तो पार्टनरशिप की थी और एक हफ्ते के अंदर ही काम करना स्टार्ट कर देंगे। और इस पूरे घटनाचक्र के मुख्य पात्र यानी कि मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है? रिलायंस जियो, उसके बाद आपका फेसबुक, व्हाट्सएप के साथ साथ जियो मार्ट। तो फ्रेंड्स, इन सब जो इसके स्टार कास्ट है उनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन का आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बता चुके थे कि इसके जो स्टार्स हैं इस मूवी में, जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, फेसबुक, जियो, व्हाट्सएप, जियो मार्ट, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो मार्ट की, क्योंकि ये नया उभरता हुआ हीरो निकल के आया है इस मूवी में। तो बेसिकली जियो मार्ट क्या है, वो रिलायंस का ई रिटेल आर्म है। ई रिटेल आर्म क्या होता है कि जैसे कि आप अमेजोन देखते हैं, फ्लिपकार्ट देखते हैं, स्नैपडील देखते हैं, ये सब ई रिटेलर्स हैं, ये ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं। वैसे जो जियो का है ई रिटेल आर्म, उसका नाम है जियो मार्ट। और जियो मार्ट यूज करने वाला है व्हाट्सएप सर्विसेज फेसबुक की, ताकि कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट पहुंचाया जाए। तो बेसिकली क्या जियो मार्ट सर्विस जो है पूरे इंडिया में अवेलेबल है? जी नहीं, अभी के लिए जियो मार्ट सर्विस खाली मुंबई में अवेलेबल है, वो भी तीन जगहों में, एक है थाने, नवी मुंबई और कल्याण। तो बेसिकली इन तीन जगहों पे जो लोग रहते हैं वो इस सर्विस को यूज करते हैं। तो बेसिकली जियो मार्ट सर्विस क्या कर रहा है, तो जियो मार्ट सर्विस क्या कर रहा है कि जितने भी आपके लोकल किराना स्टोर्स हैं, जी हाँ, किराना स्टोर्स जो इस टाइम COVID-19 लॉकडाउन के टाइम पे एक प्रमुख भूमिका निभाई लोगों को एसेंशियल आइटम्स पहुंचाने की, क्योंकि बाकी सब ऑनलाइन स्टोर्स वो सब तो बंद पड़े हुए थे, सिर्फ किराना स्टोर ही ऐसे थे जिन्हें परमिशन मिली थी कि वो खोल सकते हैं अपनी शॉप्स और लोगों को सामान दे सकते हैं। तो बेसिकली जियो मार्ट क्या कर रहा है, जो भी आपके नजदीक के किराना स्टोर्स हैं उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहा है, ताकि वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपने कंज्यूमर से कनेक्ट कर सकते हैं और उनके ऑर्डर्स ले सकते हैं और उन्हें अपडेट दे सकते हैं कि आपका ऑर्डर कैसा है, कब हो रहा है, क्या आप कहाँ पहुंचा, आप कब आके ले सकते हैं या कब आप तक मिलेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। तो बेसिकली अब हमने जियो मार्ट की तो बात कर ली, लेकिन इधर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अमेजोन भी एक्चुअली ये चीज ट्राई करने की कोशिश कर रहा है कि ऑफलाइन रिटेलर्स को अपने नेटवर्क में लाए, लेकिन वो कब तक सक्सेसफुल होगा वो तो देखने वाली है। लेकिन फिलहाल वापस आते हैं जियो मार्ट वाली स्टोरी पे। तो जियो मार्ट ने लोकल किराना स्टोर्स को अपने नेटवर्क में ले लिया, उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है और इसके लिए वो यूज कर रहा है व्हाट्सएप कंज्यूमर से कनेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली क्या करना है कि आप जैसे ही व्हाट्सएप खोलेंगे उसमें आपको एक नंबर स्टोर करना है और वो नंबर है 8850800 और उसको सेव करना है एज़ जियो मार्ट। और उसके बाद क्या होगा कि आप जैसे ही इस पे एक मैसेज भेजेंगे हाय हेलो, तो वहां से आपको एक ऑटोमेटेड मैसेज आ जाएगा, वो आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा जहां पर आपकी डिटेल्स ले ली जाएंगी, आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा कि आपका ऑर्डर क्या है और वो नोट कर लिया जाएगा और फिर वो जो ऑर्डर है वो शेयर किया जाएगा आगे किराना स्टोर वालों से, जो भी आपके नंबर से मैच करता है, आपका पिन कोड एरिया जो है उससे मैच करते हुए जो आके आपके आगे पीछे किराना स्टोर से, उनको वो ऑर्डर दिया जाएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे और वो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे वो आपको व्हाट्सएप के ही जरिए बताते रहेंगे कि प्रोग्रेस क्या है, कि आपका सामान पैक हो गया है कि नहीं हो गया है, हमने रेडी कर दिया है कि नहीं कर दिया। और जैसे ही हो जाएगा तो आपको व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आ जाएगा कि आपका ऑर्डर रेडी है लेने के लिए। जी हां, लेने के लिए, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेज में इस सर्विस में कंज्यूमर्स को ऑर्डर देने के बाद स्टोर पे जाके लेकर आना है वो सामान। मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले वक्त में वो होम डिलीवर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको वहां पर जाके ऑर्डर लेना है और पेमेंट आप की डिटेल्स भी, फाइनल बिल कितना बना है वो भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, आप वहां जाके बिल दे सकते हैं। बस यहां पर एक चीज की अभी क्लैरिटी नहीं आई है कि जो पेमेंट है क्या आप ऑनलाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कोई लिंक मिलेगा उसके थ्रू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस बारे में अभी हमारे पास जानकारी नहीं है। क्योंकि जो हम यूज कर रहे थे, हम जो बॉम्बे में हमारे फ्रेंड्स हैं उनको हमने यूज करने के लिए कहा था,
वो अभी पेमेंट गेटवे में उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हम उस बारे में एकदम कंफर्म बता नहीं सकते हैं कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन डेफिनेटली आप वहां जाके स्टोर में जाके पेमेंट कर सकते हैं। और ये काफी अच्छी डेवलपमेंट भी हो रही है, क्योंकि इस समय देखें तो व्हाट्सएप जो ऐप है वो जियो फोन में भी काम करता है, तो ये कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप तो डेवलप होनी ही थी। और इस समय ये एक इंटरेस्टिंग मूव भी हो सकता है, क्योंकि इस समय ऑलमोस्ट 400 से 500 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स हैं इंडिया में, और इसके अलावा जियो ग्रासरूट लेवल पे काम करने की कोशिश सोच रहा है कि ताकि ऑफलाइन रिटेलर्स हैं, किराना स्टोर्स हैं, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए जिनके अभी तक कोई भी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस मिलने से उनके बिजनेस की भी ग्रोथ हो सकती है और कंज्यूमर्स को भी आराम मिल सकता है। ये बाकी लोग भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई सफलता नहीं मिली, तो ये काफी अच्छी डेवलपमेंट रहेगी कंज्यूमर्स के लिए भी, किराना स्टोर्स के लिए भी, और डेफिनेटली रिलायंस जियो और व्हाट्सएप के लिए रेवेन्यू कमाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये डेवलपमेंट कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि जल्दी ये सर्विस पैन इंडिया भी लॉन्च होनी चाहिए? क्या आप इस सर्विस, अगर आपके स्टेट में ये लॉन्च होगी, क्या आप यूज करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी तक की बड़ी खबर, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।